मनोरंजन कराते हैं कांवरियों को, देख रहे हैं झूमते हुए जा रहे हैं बोल बम, बहुत ही झूमते हुए जा रहे हैं बाबा धाम। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। जैसे ही दोस्तों श्रावणी मेला 2024 की बात आती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भक्तों में के मन में जो कह सकते हैं खुशहाली रौनक आने लगता है कि जो है श्रावणी मेला 24 आने वाला है, तो इस बार की भी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो बहुत सारे कांवरिया भक्त तैयार रहे हैं अभी से ही। तो जानकारी के अनुसार था कि बहुत सारा सवाल ऐसा आ रहा था कि जो है इस बार का श्रावणी मेला कब से लगेगा, कितने दिनों का होगा। तो सावन तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि एक महीने का होता ही है, लेकिन जैसे कि पिछले में साल में हो गया था कि दो महीने का हो गया था, वैसा तो बहुत कम होता है, चार पाँच सालों में होते रहता है। लेकिन इस बार की जानकारी दे दें आप सभी तक पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो जो भी भक्त तैयार हैं श्रावणी मेला को लेकर के आने के लिए, तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, यानी इससे पता चलेगा कि जो है आप लोग कब आ रहे हैं। तो सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा में जो है श्रावणी मेला की बात करें तो आप सभी को बिल्कुल जो है कम समय में जानकारी दे देते हैं कि जो है श्रावणी मेला 22 जुलाई से जो है शुरू होगा। उससे पहले आप सभी अभी से ही जानना चाह रहे हैं कि कांवरिया पथ पर कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दुकान लग रहे या नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कांवरिया पथ पे दुकान रखना है तो कैसे रखेंगे, तो उनके लिए तो आना पड़ेगा। लेकिन जो है कांवरिया पथ की तैयारी को लेकर बात करें तो हम तो आप सभी को शुरू में ही बताते आ रहे हैं कि जो है तैयारी जो है चलता ही आ रहा है, और छोटे मोटे जो पुलिया थे सरकारी विभाग की तरफ से बनाए जा रहे हैं। और शिवलोक में हमने दिखाया था कि जो है जिलेबिया से पहले का शिवलोक में हमने दिखाया था कि वहाँ पर जो है दरवाजे के आगे जो है ईंट का जो है सॉलिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पे कीचड़ हो जाता था, बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा चिकचिक होने लगता था, कांवरिया भक्तों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, उसको हमने दिखाया था और उसकी तैयारी भी हो गई। और तैयारी के नाम पे दोस्तों कांवरिया पथ पर काम जो है श्रावणी मेला जैसे शुरू होती है उससे एक महीने पहले जो है बहुत सारा काम होने लगता है, बालू बिछने लगता है, लेकिन उसकी तैयारी अब जल्दी हो रही है। और आप सभी को बता दें कि कांवरिया पथ पर दुकान भी लगने वाला है बहुत ही जल्द, कहीं कहीं लग रहा है। तो जो जो जानकारी आप सभी को चाहिए होता है वो आप सभी तक पहुंचता है सबसे पहले। तो दोस्तों जितने भी आगामी भक्त हैं, आने वाले भक्त हैं, तो जल्दी से कर लीजिए तैयारी, और जो तैयार हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो देखते हैं इस बार किस किस को महादेव का बुलावा आता है। तो एक बार जो 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 आने को तैयार हैं कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही जानकारी आप सभी तक मिलता रहेगा क्योंकि मिलता ही रहता है। और श्रावणी मेला कब से शुरू है सबसे ज़्यादा फोकस यही हो रहा था, और कांवरिया पथ पर या फिर दुकान का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सभी की काम बहुत ही जल्दी हो रही है। और भी कुछ जानकारी चाहिए श्रावणी मेला से लेकर के, कांवरिया पथ से लेकर के, तो वो आप सभी तक पहुँचता रहेगा। तो कमेंट करते रहिएगा तो हमें जानकारी इतना तो चल पाएगा कि आप सभी ऐसा कुछ भी जानना चाहते हैं और ऐसी भी जानकारी आप सभी को चाहिए होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी कुछ ना कुछ मिल पाई होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तो देखते हैं आप सभी का अगला सवाल क्या रहेगा, और अगले सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार रह पाते ही नहीं क्योंकि आप सभी की सेवा में हम कब से लगे हैं और लगे ही रहते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ।